हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब जैसे आपको पता दोस्तों, बजाज की तरफ से नई वाली बाइक इंडियन मार्केट में उतारी गई है, जिसका नाम रखा गया बजाज पल्सर N160। अब दोस्तों N160 काफ़ी अच्छी बाइक तो है, लेकिन क्या ये NS160 से बेटर है या नहीं है? देखिए, सबको पता है कि बजाज ने फिलहाल अभी ये अनाउंस नहीं किया कि वो NS160 को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बट हर कोई जानता है भाई जो N160 है वो पल्सर NS160 को प्लेस करने के लिए इंडियन मार्केट में उतारी गई है। ये आप हर कोई जानता है कि कुछ दिन के बजाज अपनी जो नई वाली N160 है उसको भाई मतलब इसके लिए NS160 को ये लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोनों बाइक के बीच में कंपैरिजन करने वाले कि दोनों में आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आप लोग को किस बाइक के साथ में जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बता देगी कि दोनों में आपको कौन सी बाइक खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते पल्सर N160 वर्सेस बजाज पल्सर NS160। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं बजाज पल्सर N160 वर्सेस बजाज पल्सर NS160। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में कि प्राइस में आपको दोनों बाइक में कितना डिफरेंस देखने को मिल जाता है। देखिए, बजाज पल्सर NS160 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरियंट देखने को मिलता था, सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन N160 में बजाज ने आपको ऑप्शन दिया, अगर आप चाहें तो सिंगल चैनल ABS ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताता हूं, N160 एक्सरू प्राइस आएगी 1,22,000, 1,22,000 रुपए विदाउट सिंगल चैनल ABS वाली, और NS160 भी 1,22,000 रुपए के आसपास की एक्सरू प्राइस आती थी, सेम प्राइस में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम लेते हैं N160 का, तो वो आपको 1,27,000 रुपए के आसपास की एक्सरू प्राइस देखने को मिलेगी। तो प्राइस कंपैरिजन करोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आपको अच्छी चीज चाहिए, अच्छा आपको ब्रेकिंग चाहिए, तो फिर आप जा सकते हैं N160 के डुअल चैनल ABS में, तो थोड़ा सा प्राइस आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बाकी सारी चीज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं दोनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंजन कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों NS160 में आपको इंजन टाइप में 4-स्ट्रोक SOSC 4-वॉल्व ऑयल कूल ट्विन स्पार्क प्लग BS6 DDSI टेक्नोलॉजी मिलता था। N160 में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOSC 2-वॉल्व ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है। मतलब NS160 में 4-वॉल्व इंजन है, N160 में 2-वॉल्व इंजन है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा परफॉर्मेंस में, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर फील होने वाला है। 4-वॉल्व इंजन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू 2V इंजन। इंजन सीसी में NS160 में 160.3 cc का इंजन यूज किया गया था, N160 में 164.82 cc का इंजन यूज किया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के पावर एंड टॉर्क के बारे में। NS160 में 17.2 के आसपास का PS पावर आता है, N160 में 16 का PS पावर आता है, यानी कि 16। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क में NS160 में 14.6 के आसपास का टॉर्क आता है और N160 में 14.65 के आसपास का टॉर्क आता है। मतलब कि NS160 में आपको 1.2 के आसपास का जो पावर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो परफॉर्मेंस वाइज है NS160 थोड़ी सी बेटर है 1.2 पावर से। हालांकि ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, बाकी सारी चीजें लगभग आपको सिमिलर मिलेगी। हालांकि एक मेजर डिफरेंस है, NS160 में आपको सेल्फ एंड किक दोनों का ऑप्शन था, लेकिन N160 में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है। नॉर्म स्टेप एमिशन टाइप BS6 कंप्लाइंट इंजन है, 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में दोनों बाइक को डिजाइन किया गया, ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है, फ्यूल टाइप में दोनों ऑब्वियसली बात है पेट्रोल के टाइप में आती थी। साथ में दोनों बाइक में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता था और दोनों बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच यहां पे देखने को मिलते हैं बजाज की तरफ से। तो ये तो दोस्तों दोनों बाइक का नॉर्मल इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया। बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। सबसे पहले माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब माइलेज में ऑब्वियसली बात है कि दोनों बाइक में आपको ऑलमोस्ट सेम माइलेज देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों पावर का ज्यादा फर्क है नहीं। तो दोनों में लगभग आपको 40 के आसपास का जो माइलेज है वो देखने को मिल जाएगा, 40 के आसपास का। हाँ, स्पीडोमीटर में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे N160 में सेम वही स्पीडोमीटर दिया गया जो कि लास्ट टाइम बजाज की पल्सर F250 और N250 में यूज किया गया था, जो कि नया वाला एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। देखिए, एनालॉग विद डिजिटल मीटर दोनों ही बाइक में मिलता है, लेकिन जो N160 में यूज किया गया वो नया जनरेशन का है, तो वो थोड़ा सा बेटर भी है, कुछ कुछ फीचर भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि उसमें आपको गियर इंडिकेटर मिलता है NS160 में नहीं आता, और उसमें आपको डिस्टेंट टू एम्प्टी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है जो कि हमारी NS160 में नहीं आता।
तो ये तो बेटर चीज़ें आपको N160 में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये बेटर चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ें होना भी चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन की बाइक का सोच के बजाज ने N160 को इंडियन मार्केट में उतारा है। नई चीज़ें नहीं दी जाएगी तो फिर बाइक क्यों लेंगे यार। तो ऑब्वियसली बात है, नई चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी नई बाइक के लिए, अगर आप नई जनरेशन का सोच के इंडियन मार्केट में उतार रहे हो तो। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के टायर्स एंड ब्रेकिंग के बारे में, टायर साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या टायर साइज़ आपको दोनों बाइक में देखने को मिलता है। दोस्तों NS160 में फ्रंट में 1990 के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आते हैं, ट्यूबलेस टायर है। एंड वही दोस्तों N160 में फ्रंट में आपको 180 के टायर मिलते हैं, रियर में 130-170 के आसपास के टायर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर टायर कंपेरिजन करो तो हालांकि ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट N160 के जो टायर है वो थोड़े से बेटर है, थोड़े से बेटर ग्रिपिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, और बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो भी आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अब ब्रेकिंग मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई NS160 में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाला ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता था, लेकिन भाई यहाँ पे एक एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा कि N160 में आपको डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप चाहें तो डुअल चैनल ABS वाली भी खरीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक खरीद सकते हैं। तो एक जरूर बहुत अच्छा एडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है, बस आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा और आप खरीद सकते हैं आपकी डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली N160। तो यहां पे भी N160 थोड़ी सी मुझे बेटर लगती है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। अब यहां पे है भाई मेजर डिफरेंस। देखिए NS160 में आपको नॉर्मल, आपको पता ही है कि हैलोजन लाइट देखने को मिलता है बजाज का, लेकिन N160 में आपको LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, मतलब LED लाइट भी नहीं, सीधा LED प्रोजेक्टर लाइट। तो लाइट का अगर कंपेयर करोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है कि N160 की जो लाइट है ना वो आपको बहुत ही बेटर देखने को मिल रही है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे NS160 का इस बाइक से कोई कंपैरिजन नहीं है। लाइट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इस सेगमेंट में। भाई मुझे ऐसा लगता है कि बजाज की बाइक जो है N160 में आ रही है लाइट, इंडियन मार्केट में किसी और ब्रांड में आपको ऐसी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया, बाकी सस्पेंशन दोनों के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे लुकिंग वाइज फीचर्स वाइज तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे N160 थोड़ी सी बेटर है यार, ठीक है। सिर्फ 1.2 पावर डाउन हुआ है, उसके सिवा कोई भी आपको चीज़ें NS160 में बेटर नहीं मिलेगी। N160 लुकिंग वाइज भी मेरे हिसाब से ना काफ़ी अच्छी है, लुकिंग वाइज भी ये बाइक बहुत अच्छी लगी रही है। इसका जो ग्राफिक है ना, ब्लैक वाला ग्राफिक जैसे बजाज ने अभी 250 में भी इसे दे दिया है, तो ये ग्राफिक भी आपको बहुत ही बेटर देखने को मिल रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको दोनों में कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको जाना चाहिए पल्सर N160 के हिसाब से, नई जनरेशन की बाइक के साथ में जाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये काफ़ी अच्छा कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। आपको कौन सी बाइक पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।